शिक्षा पे सबका अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। पैसा किसी भी बच्चे का शिक्षा के आगे नहीं आना चाहिए। ड्यू टू द लैक ऑफ मनी नो वन शुड बी गेटेड ऑफ एजुकेशन। फॉर दिस द नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैज स्पॉन्सर्ड मेनी स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स बाय व्हिच द स्टूडेंट विल गेट सम मनी एंड दे विल स्टडी वेल। सो आज हम आपको क्या बताएंगे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, नेशनल गवर्नमेंट का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कुछ स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करते हैं, ये साल भर में आता रहता है। आज हम उसी में से कुछ स्कॉलरशिप्स आपको बताएंगे, ठीक है। तो दिस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल क्या है कि नेशनल गवर्नमेंट का डिफरेंट जो 15-16 डिपार्टमेंट्स स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करते हैं, 15-16 मिनिस्ट्री जो स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करते हैं, सब स्कॉलरशिप को एक एग्रीगेट करके एक वेबसाइट में दिया गया है, वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशन में उसका एप्लीकेशन होगा और स्कॉलरशिप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के हिसाब से आपको आपके अकाउंट में डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो वो स्कॉलरशिप हम शुरू करेंगे। पहला स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी। द स्कॉलरशिप का नाम है NMS, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये क्या है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, क्या है? क्लास 8 में नॉर्मली इन द मंथ ऑफ नवंबर एग्जाम होता है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है क्लास 8 में। और उस एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो बच्चे ही ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इसमें एक साल में 12,000 रुपया स्कॉलरशिप के हिसाब से मिलता है, 4 साल क्लास 9 क्लास 10 11 12 चार साल के लिए 12,000 रुपये के हिसाब से 48,000 रुपीज स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। और इसके लिए एलिजिबल क्या है, एलिजिबिलिटी जो NMS जो पास किया होगा जो बच्चा वो ही इसको अप्लाई कर पाएगा, और NMS वो ही अप्लाई कर पाएगा जिसका पैरेंटल इनकम 1.5 लाख पर एनम से कम होगा, ठीक है। और वो NMS पास कर चुका होगा स्टेट लेवल में। और नाउ फ्रेश एप्लीकेशन के लिए क्लास 9th में वो स्टडी करता होगा और 10th 11th 12th बच्चों के लिए ये रिन्यूअल होगा, ठीक है, क्योंकि 10th 11th और 12th बच्चे क्लास 9th में एक बार स्कॉलरशिप रिसीव कर चुके होंगे, तो उनके लिए होगा रिन्यूअल और क्लास 9th बच्चे के लिए होगा फ्रेश एप्लीकेशन, ठीक है। और इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होगा, आपका आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट, मार्कशीट ऑफ द लास्ट ईयर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो SC में क्वालिफाई क्या है या ST में क्या है, OBC में क्या है, कौन सा कैटेगरी में वो एग्जाम क्वालिफाई क्या है, क्योंकि सबके लिए कट ऑफ मार्क डिफरेंट होता है, इसलिए ये भी जरूरी है। और उसके बाद ये पासपोर्ट साइज फोटो और स्टडी सर्टिफिकेट सबके लिए जरूरी है। आप जो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे स्कूल लेवल में, आपका प्रिंसिपल से या हेडमास्टर से स्टडी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्कॉलरशिप नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये एग्जाम पास करने के बाद ही मिलता है, ठीक है। अगर आप NMS एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो भी आपको NMS नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आपको क्लास 9 में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि NMS पास के लिए वो सोचते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेकिन नहीं आता है ऐसे, आपको वही NMS कोटा में यहाँ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिटनेस स्कॉलरशिप नेक्स्ट स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटी। ओके, डिजेबिलिटी बच्चे के लिए ये स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप दो टाइप का होते हैं, पहला तीन टाइप का एक्चुअली है, हम दो फोकस करेंगे। पहला स्कॉलरशिप है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिजेबिलिटी। प्री मैट्रिक का मतलब होता है जो स्टूडेंट्स क्लास 10 से नीचे पढ़ते हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 को हम फोकस करेंगे। स्कॉलरशिप का अमाउंट क्या है, 9,000 से 15,600 पर एनम, पर एनम मतलब एक साल में 9,000 से स्टार्ट करके 15,600। ये तीन टाइप का अलाउंस आपको मिलता है, पहला अलाउंस मिलता है आपको जो स्टडी अलाउंसेस डेली अलाउंस 500-600 ऐसे करके मिलता है, हम डिटेल यहाँ नहीं दे रहे हैं, आपको मिल जाएगा, आपकी जो गाइडलाइन है इसका गाइडलाइन है उसमें से मिल जाएगा, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लेंगे आप इसका गाइडलाइन डिटेल्स गाइडलाइन। और बुक अलाउंस मिलता है 1,000 करके, और कुछ अदर डिजेबिलिटी अलाउंस डिफरेंट डिजेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए, VI के लिए अलग मिलते हैं, PI के लिए अलग मिलते हैं, सो ऑर्थोपेडिक OI के लिए अलग मिलते हैं, तो सबके लिए अलग अलग जो अमाउंट मिलते हैं, इसलिए मिनिमम 9,000 से लेकर 15,600 पर एनम तक स्कॉलरशिप ये स्कीम में आपको मिलता है, ठीक है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, वो PWD कैंडिडेट होना चाहिए, PWD का मतलब होता है पर्सन विद डिजेबिलिटी, ठीक है। और
वो क्लास 9 या 10th में, नाउ द स्टूडेंट्स हु स्टडी इन क्लास 9th और 10th, ओके। और इसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मतलब आपका होता है वो पर्सनल डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट। और इसमें एक नोट आपको बता दूं कि वो जो डिजेबिलिटी 40% से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। और एक और फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, उसके उसके बाद स्टडी सर्टिफिकेट सेम एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट स्कॉलरशिप द सेम डिपार्टमेंट स्पॉन्सरिंग एंड इट इज पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब होता है जो बच्चे क्लास 11th 12th या उससे अपर बैच में पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके लिए स्कॉलरशिप अमाउंट क्या है, 10,100 से लेकर 16,300 पर एनम तक स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटी सेम है, पीडब्ल्यूडी कंटेंट विद स्टडी इन क्लास 11th और 12th, ठीक है। और डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड सेम एज प्रीवियस, ओके। इसका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये डाटा भी आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बाद में आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एक स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करता है, और वो स्कॉलरशिप का नेम है फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन ऑफ द वार्ड्स ऑफ बीडी साइन आईओएमसी एलएसडीएम वर्कर्स और प्री मैट्रिक। ये भी दो हिसाब दो टाइप का आता है, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसका स्कॉलरशिप अमाउंट डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 8 तक बच्चों को 940 रुपीज पर ईयर, 6 से लेकर 8 तक बॉयज को, गर्ल्स को मिलेगा 940, बॉयज को मिलेगा 500, एंड 9th गर्ल्स को मिलेगा 1140, 9th बॉयज को 700 रुपीज, 10th गर्ल्स को 840 रुपीज, एंड 10th बॉयज को 1400 रुपीज। इसका एलिजिबिलिटी क्या है, द स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ बीडी वर्कर, बीडी वर्कर, देन सीनियर वर्कर, मे बी आईओएमसी वर्कर, मे बी एलएसडीएम वर्कर, एंड वो क्लास 6 से लेकर 10th तक कोई भी क्लास में स्टडी करता होगा, ठीक है, उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। और सेम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है, वो आधार कार्ड, बैंक अकाउंट का जेरोक्स कॉपी, मार्कशीट, लास्ट ईयर का मार्कशीट जिसके लिए आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ पेरेंट्स एज वर्कर, क्योंकि ये वर्कर के बच्चों को ही मिलता है, इसलिए आप कौन से वर्कर का लड़का हो या लड़की हो आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा, इसलिए वो प्रूफ ऑफ पेरेंट्स एज वर्कर आपको देना पड़ेगा, एंड फोटो और उसके बाद स्टडी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर वही मिनिस्ट्री का और एक स्कॉलरशिप है, वो सेम पैरेंटल ऑक्यूपेशन के हिसाब से, लेकिन ये पोस्ट मैट्रिक है और वो बच्चे क्लास 11th और 12th में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। 11th 12th गर्ल्स को मिलेगा 2,440 रुपीज, एंड बॉयज को मिलेगा 2,000 रुपीज, एंड सेम एलिजिबिलिटी एंड सेम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ओके। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज क्या, ये स्कॉलरशिप का नाम है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर आरपीएफ और आरपीएसएफ, रेलवे पुलिस फोर्स या रिटायर्ड रेलवे पुलिस फोर्स की सन्स या डॉटर को ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। स्कॉलरशिप का अमाउंट क्या है, गर्ल्स को 51,000 रुपीज पर एनम मिलेगा और बॉयज को 48,000 पर एनम मिलेगा, ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी क्या है, वो एज यू नो आरपीएसएफ का वार्ड होना चाहिए और रिटायर्ड आरपीएसएफ एक्स आरपीएसएफ का चिल्ड्रन होना चाहिए, ठीक है। एंड ही मस्ट हैव सिक्योर 60% मार्क्स इन क्लास 12th। तो ये किसके लिए है, जो डिग्री में अभी पढ़ रहे हैं, तो जस्ट पास आउट हुए हैं उनके लिए है। अगर वो 60% से ज्यादा मार्क लाए हैं उसके बाद वो ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे, वो अप्लाई करेंगे और ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा स्कॉलरशिप है, इसके बाद और भी स्कॉलरशिप आएगा। स्टेट स्पॉन्सर स्कॉलरशिप बहुत सारे हैं और बहुत सारे प्राइवेट स्पॉन्सर स्कॉलरशिप भी हैं। सब स्कॉलरशिप हम ऐसे ऐसे एक सीरीज का जो काउंसलिंग सेशन करके सब जानेंगे और हर एक स्कॉलरशिप अप्लाई करेगा जो भी डिजर्विंग। इसका मतलब यह है कि जो काउंसलिंग सेशन हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक भी डिजर्विंग स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप पाने के लिए डिजर्व हो वो ये स्कॉलरशिप कभी ना छूटे, उसके लिए ना छूटे, इसलिए हम ये कर रहे हैं। और उसके बाद डिफरेंट अदर स्कॉलरशिप के लिए भी हम करेंगे, ठीक है, ओके। सो और एक बार बता दूं, ये सर ये जो काम अभी हम कर रहे हैं इसके लिए टीम काम करते हैं, उस टीम में हमारे यू नो दैट टीजीटी मैथ सर, राजकिशोर सर हैं और म्यूजिक सर भी उस टीम में हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। एंड स्कॉलरशिप के लिए अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारा स्कॉलरशिप सेल का
डिफरेंट यू नो ये असिस्ट करेंगे आपको। जयंत सर हैं प्रिंसिपल, नंबर भी दिया गया है, और मैं हूँ लोकेश सर, राजकिशोर सर भी हैं, प्रत्युष मून जूनियर क्लर्क भी हैं। और ये सब स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा लॉग इन टू www.scholarships.gov.in, और वो सर को बोलूँगा थोड़ा दिखा दीजिए कैसे करते हैं। आपको कोई भी ब्राउजर आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इधर गूगल में या कहीं भी आप टाइप कर दीजिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आप टाइप कर दीजिए, उसके बाद आ जाएगा आपका जो वेबसाइट नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम scholarship.gov.in, ये उसका होम पेज है। और उसके बाद आपको पहले ये है वो डिफरेंट यू नो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज वो आर स्पॉन्सरिंग द स्कॉलरशिप्स, ये मिनिस्ट्री स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करते हैं, और मिनिस्ट्री के ऊपर क्लिक करने से आपको डिटेल्स भी मिल जाएगा। सर क्लिक करके दिखाइए, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल लिटरेसी क्लिक कीजिए, डिपार्टमेंट एजुकेशन लिटरेसी क्लिक कीजिए, ठीक है कैसे आ जाएगा देखो, ओपन टिल 15 नवंबर ऐसे डिटेल्स आएगा, और ये गाइडलाइन है, और गाइडलाइन भी क्लिक करने पर आपको गाइडलाइन भी मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा, पीडीएफ में आपको डिटेल्स